दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू जीप मेरिडियन। आज जीप इंडिया ने अपनी ऑल न्यू मेरिडियन हमारे सामने पेश करी है। खास बात है ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, और जो आपने देखे ना नए स्पेशल एडिशन आए हैं मेरिडियन के अंदर जो कि फॉर्च्यूनर से टक्कर लेने के लिए आ चुके हैं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये इसका टॉप एंड मॉडल है जो कि इसका लिमिटेड प्लस वेरिएंट है। अलग ही लेवल के फीचर मिलते हैं भैया, जीप के नाम के साथ सारे फीचर मिले हैं। जीप जिसे ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता है, यहाँ पर वो लग्जरी सेगमेंट में अपना आपको साबित करने के लिए आया हुआ है। और आज की वीडियो में बात करेंगे क्या ये फंक्शन है, और एक स्पेशल इवेंट था आज का, और जीप की अपनी मेरिडियन अपने एक्स स्पेशल एडिशन अपने अपलैंड एडिशन दोनों में हमारे सामने है। ये सामने पेश कर रहा हूं, ये इसका अपलैंड एडिशन है। क्या मिलता है, क्या डिजाइन है, क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए, और क्या ये एक वेल फॉर मनी बाई आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले देखिए ना, जीप को इंडिया में जाना जाता है परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप देखिए ऑफ रोडिंग के मामले में तो जीप का कोई मुकाबला नहीं है। रैंगलर को देख लीजिए, कोई भी टक्कर नहीं है उस गाड़ी की। इवन अगर आप फोर्ड की ब्रोंको ले आइए, फिर भी रैंगलर ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। वही इस गाड़ी के सांस भी है। यहाँ पर गाड़ी अपनी डायनेमिक परफॉर्मेंस नहीं, थोड़ा बहुत उस तरीके का जो जीप का डीएनए है उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है। तो फ्रंट मैन ने इस लुक को प्रीमियम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले नोटिस करवाए अपने फुल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि आपको पता भी चल रहा होगा। डीआरएल सेटअप मिलता है, की फॉब आपको दिखा चुका हूँ, बेसिक लॉक अनलॉक फंक्शन, और डबल प्रेस करके इसका टेलगेट ओपन होता है। इस गाड़ी में 7 सीटर का ऑप्शन है, तो उससे थोड़ा सा ना मैं एक तरीके से इस गाड़ी की ओर अट्रैक्ट हुआ कि भाई जीप क्या देना चाहती है 7 सीटर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉग लैम्प का ऑप्शन, उसी के साथ नीचे देखेंगे क्रोम का यूज़ किया गया है, मतलब प्रीमियम फिनिश भी चाहिए और जो कस्टमर मांगते हैं ऑफर किया जाएगा। नीचे देखेंगे थोड़ा और क्रोम का यूज़ है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए। फ्रंट के लुक में आएंगे तो जीप की जानी पहचानी फ्रंट की ग्रिल, जो स्पेशली आपको जीप की हर एक गाड़ी में देखने को मिलेगी। अब ये 7 स्लैट ग्रिल आपको महिंद्रा भी यूज़ करते हुए दिखेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक डिज़ाइन है ना जीप का अपना है। इसका मतलब ये होता है कि जीप दिखाना चाहती है ये जो 7 स्लैट्स है ये डिनोट कर रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को, 7 महाद्वीप जहाँ पर जीप अपनी गाड़ी को प्रोडक्शन करता है, दुनिया भर में अपनी गाड़ी को बेचता है। 7 का मतलब है 7 कलर्स, 7 का मतलब है 7 एक तरीके से जो आपके वर्ल्ड वंडर्स है, यानी कि दुनिया के 7 अजूबे जो कि जीप अपनी गाड़ी को भी दिखाना चाहता है कि भैया ये भी कोई अजूबे से कम नहीं है। तो ये तो सारी बातचीत रही इस गाड़ी के फ्रंट के लुक की। अब मैं आपको ले चलता हूँ ये गाड़ी अपनी साइड प्रोफाइल में क्या देती है, और सबसे खास बात ये जो सारा कुछ बनाया गया ना, ये जो जीप की मेहनत है, मतलब ऑफ रोडिंग करने में कुछ तो होगा ना इस गाड़ी में नया, वो आपको दिखा दूंगा। उसी के साथ 215 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब आप कहेंगे फॉर्च्यूनर में 227 का मिलता है 227 mm, इस गाड़ी में 215 mm मिल रहा है सेम प्राइस में, इस गाड़ी को क्यों लिया जाए, इंजन भी तो छोटा है ना आपको पता है। लेकिन फिर भी कुछ तो नया है वो दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए अलॉय, तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस के अलॉय ऑफर किए गए। क्या खास है, सबसे पहली चीज़ ये अलॉय इंडिया में नहीं बन रहे, इन अलॉयज़ को इम्पोर्ट किया गया है। अब ये मत कहिएगा इसको थाईलैंड या चाइना से इंपोर्ट किया गया, लेकिन ये इंपोर्टेड अलॉय है। उसके लिए यहाँ पर जीप की बैजिंग आप देखेंगे, 5 आपको लगनट मिलेंगे। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क का ऑप्शन मिलता है। ये जो टायर आप देख रहे हैं ब्रिजस्टोन का टायर है, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ड्यूलर सीरीज़ का, ये कि हाईवे टेरेन टायर है। इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ मुझे अच्छा लगा इसका, 18 इंच का होने के साथ साथ थोड़ा लो प्रोफाइल है तो हाईवे में थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, और 235/55 रेडियल 18 थोड़ा सा लो प्रोफाइल है तो ऑफ रोडिंग में संभल के चलिएगा। उसके साथ अगर आप साइड क्लैडिंग को देखें तो बॉडी कलर है आप देख सकते हैं। अगर आप इसका लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट ले लेंगे वहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। इंटीरियर भी दिखाने मुझे आपको, साथ में देखेंगे मेरिडियन की बढ़िया बैजिंग। इस गाड़ी की अगर आप बॉडी की बात करें, अलग ही वेट है इसमें, बहुत अच्छा फील होता है। 63% यहाँ पर आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ देखने को मिलेगा। सारी की सारी जो एम्बिएंट लाइट्स है वो आप नोटिस करेंगे किस प्रकार मिलती है। गाड़ी के इंटीरियर्स स्पेशली फॉर्च्यूनर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अप मार्केट है, और यही वो गाड़ी है जिसके वजह से फॉर्च्यूनर के अलावा टोयोटा ने अपनी इनोवा हाईक्रॉस को इंडिया में लॉन्च करा। अगर ये गाड़ी नहीं लॉन्च होती जीप इंडिया की तरफ से, आपको इनोवा हाईक्रॉस नहीं देखने को मिल पाती। बाकी अगर आप जीप को देखेंगे तो जीप ने ये पूरा डिज़ाइन पहले अपनी कंपास के अंदर देना शुरू करा था, जो कि एक तरीके से कंपटीशन ले रही थी MG हेक्टर से फीचर्स के मामले में। तो वहाँ पर सारा ना कंपनियाँ एक दूसरे से इंस्पायर होती है, कोई डायरेक्ट कहेगा नहीं कि हम उनसे इंस्पायर हुए, लेकिन इंस्पायर होकर दुनिया चलती है। यहाँ पर आप देखेंगे सारी एम्बिएंट लाइटिंग आप देखेंगे जो कि ऐसी दिखेगी आपको, उसके साथ यहाँ पर कुछ आपको सिल्वर फिनिश और ये चीज़ आप देख रहे हैं, सॉफ्ट टच आपको दी गई है। बाकी उसी के साथ यहाँ पर जो आप पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं ये भी कोई नॉर्मल सा डैशबोर्ड नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव वैक्यूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि नेगेटिव वैक्यूम टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि इसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी से गुजारा जाता है जिससे इस फोम के अंदर जो भी सॉफ्ट कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, या फिर जो भी ऐसी चीज़ जो जब हीट होगी धूप में गाड़ी खड़ी रहेगी स्मेल करती है ना, उन चीज़ों को पहले ही हटा दिया जाएगा, जिसकी मदद से जब गाड़ी धूप में खड़ी रहेगी आपके कैबिन के अंदर स्मेल नहीं आएगी, जो भी कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है, जो भी कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है वो सब हट चुके होंगे। सबसे अच्छी बात जीप ने ये बताई है कि यहाँ पर ये जो मटेरियल है
वो स्पेशली थोड़ा सा तो फायर रिटार्डेंट हो चुका है, यानी कि इन केस अगर कैबिन के अंदर कभी फायर इंसिडेंस होता है, आग लगती है, तो ये जो डैशबोर्ड का मटेरियल है आग नहीं पकड़ेगा और थोड़ा सा इंसुलेटिंग है तो आपके कैबिन को धूप से भी ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। या आप इसके पूरे अंदर का लेआउट देख लीजिए, टैन फिनिश में आता है। या आप इसकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ देख रहे हैं जिसको आप यहाँ से भी नोटिस करेंगे। उसी के साथ थोड़े बहुत जो एक्सेसरी पैकेज है, जो कि इसका जो लोअर वेरिएंट है ना लग्जरी ऑप्शनल, उसमें जो एक्स वाला स्पेशल एडिशन आया है उसके साथ भी आती है ये मैग्नेटिक वाली चीज़ है। समझाऊंगा क्या कुछ रहने वाला है। अल्पाइन का साउंड सिस्टम है, 10 इंच की स्क्रीन, उसके साथ 10.25 इंच की स्क्रीन यहाँ पर भी आपको ऑफर की गई है। लेकिन गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी है बिल्ड क्वालिटी, जो कि टॉप नॉच है। क्वालिटी के मामले में ये सिमिलर आपको लग सकती है कंपस के मुकाबले, लेकिन थोड़ी सी मुझे ज़्यादा हैवी लगी। गाड़ी की जो लंबाई है वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है, जिसमें आपकी मेरिडियन की पूरी लंबाई है 4769 मिलीमीटर्स की, यानी कि 4.8 मीटर कैटेगरी में है और कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से हल्की सी छोटी है, लेकिन देखने में गाड़ी उतनी छोटी नहीं लगेगी। हल्का सा लॉन्ग कैरेक्टर है इसके साथ। पीछे का टेल लैम्प देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ छुपा हुआ है। ये टेल लैम्प आप देखेंगे नॉर्मली जो कि LED के साथ है। ये आप चार सेगमेंट देख रहे हैं एक तरीके से, इनका मतलब एक तरीके से मोर्स कोड होता है। अगर इसको आप डीकोड करेंगे तो यहाँ पर जीप लिखा हुआ आएगा। जीप आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। या आप देखेंगे कुछ क्रोम की बिडिंग मिलेगी हल्की सी, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रे फिनिश ऑफर की गई है, या थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ ऊपर आप जो पूरी सनरूफ है वो नोटिस करेंगे। एक शार्फिन एंटीना ऊपर आप देखेंगे, स्पॉइलर ऑफर किया गया है। कुछ आप यहाँ पर पियानो फिनिश देखेंगे, पीछे का छोटा सा आपको यहाँ पर वॉशर वाइपर यूनिट साथ में देखेंगे, ये कुछ डिफॉगर ऑफर किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको ऑफर किया गया। FCA ग्रुप की ये गाड़ी है जो कि फीएट क्राइसलर ग्रुप है। और साथ में देखेंगे पीछे आपको लिमिटेड प्लस की बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी में पीछे देखेंगे जीप लिखा हुआ है, क्रोम का भर भर के इस्तेमाल किया गया है। और मुझे दिखाना है भैया इसका जो आपको टेलगेट को डबल टैप करके ऑप्शन खुल जाता है, तो इस प्रकार खुल जाता है। अब ये तो नॉर्मली हर गाड़ी में मिलता है ये सेगमेंट में, क्योंकि अगर आप 40 प्लस सेगमेंट में जा रहे हैं तो ये गाड़ी दे ही रही है। इसका खास ये मतलब है कि मानिए दोबारा प्रेस करके तो बंद भी हो जाएगा। तो ये बूट स्पेस देख रहे हैं 170 लीटर का है, तो वो थोड़ा सा आपको दिखेगा। मुझे आपको दिखाना है कि इसमें आपको 6-way एडजस्टेबल ऑप्शन मिलता है, यानी कि 6 तरीके या 6 जगहों पे आप इसको, मान लीजिए मैं इसको यहीं पर रोकना चाहता हूँ तो इसको पहले यहाँ पर जाने देते, थोड़ा सा इसको नीचे ला के यहाँ पर रोकते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका एक मेमोरी फंक्शन है, इसको दबाए रखिए तो इसका साउंड करी, यहाँ पर इसने इसका मेमोरी फंक्शन ले लिया। अब आप जब भी इसको बंद करेंगे तो ये नॉर्मली बंद होने वाला है, बंद हो गया, पूरा बंद होने देते हैं, ये देखें नॉर्मली बंद हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो वो जो आपने मेमोरी फंक्शन इसको दिया था वहीं पर जाके ये लॉक होगा। वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं 6 पोजीशन पे, ये देखिए यहीं पर जाके लॉक हुआ, नहीं तो पूरा ऊपर खुलता ना, वहीं पर जाके लॉक हुआ। आपको दोबारा ऊपर करना है, इसको फिर से ऊपर की ओर खींच दीजिए, आप मैनुअली करेंगे टूटेगा नहीं है। और इसको आप दोबारा मेमोरी फंक्शन देंगे उसको उसी डिफॉल्ट कंडीशन पर, ये देखिए आ गया। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इतना आपको बूट स्पेस मिल जाता है, 170 लीटर बूट स्पेस यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और कहीं ना कहीं 7-seater लेआउट में ये बूट स्पेस थोड़ा कम लगेगा आपको। बाकी सीटिंग की बात करें तो सीटिंग में क्वालिटी सही लगेगी आपको। यहाँ पर जीप ने स्पेशली USA से इस लेदरेट को इम्पोर्ट करा है, और इसको कहा भी जाता है मैकिनले लेदर, जो कि थोड़ा सही है। कहीं ना कहीं जैसे रॉल्स रॉयस एक तरीके से कोशिश करती है कि ऐसा लेदरेट यूज़ किया जाए, ऐसा लेदर यूज़ किया जाए क्योंकि ऐसे पहाड़ों से इस्तेमाल हो या ऐसे पहाड़ों से आए हो जहाँ के बुल्स को मच्छर कम काटते हो, तो वही चीज़ ऐसा तो जीप इंडिया ने नहीं करा, लेकिन फिर भी USA से इम्पोर्ट करा है। और इसको आप रिक्लाइन करने का ऑप्शन यहाँ पर देख ही रहे, इसको आप पूरा फोल्ड करना चाहे तो ये ऑप्शन आपके सामने इसको पूरा का पूरा फोल्ड करने का है। जाके यहाँ पर आपको 750 लीटर के आसपास, 750 लीटर के आसपास का बूट स्पेस देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉडल है क्योंकि ये, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे पार्सल सेल्फ के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन पार्सल सेल्फ नहीं आती है। कुछ यहाँ पर आपको ईस्टर एग मिलेगा जो कि अपना USA का फ्लैग कह सकते हैं। बाकी इस साइड देखेंगे वही पार्सल सेल्फ, ये चीज़ आपको यहाँ पर लैम्प मिल जाएगा लगेज के लिए, कोई भी ये ऑप्शन नहीं है, होने चाहिए थे पावर आउटलेट क्योंकि USA और ऐसी मार्केट्स में रहता है ये मेमोरी फंक्शन। और ये थोड़े और चीज़ें इसके नीचे टूल बॉक्स और ये चीज़ें रहने वाली है। बाकी ये गाड़ी ना 4x2 है, 4x4 वाला वेरिएंट वहाँ पर आपके सामने है। ये लग्जरी प्लस है लेकिन ये 4x2 में डीजल ऑटोमेटिक है, चाहे तो आप इसमें 4x4 भी ले सकते हैं, उसमें आपको 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा ही मिल जाएगा। आप देखिए जीप की गाड़ी की बात कर रहे हैं और अंडरबॉडी की बात नहीं की जाए तो ये आप देख रहे हैं इसका स्पेयर व्हील, यहाँ पर आपको 17 इंचेस का स्टील व्हील मिलेगा जो कि 60 PSI के प्रेशर के साथ काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका सारा एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हैं। 4x4 गाड़ी ये नहीं है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका ही 4x4 मॉडल सामने है, उसकी वीडियो बना चुका हूँ। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका यूरिया का टैंक है जो कि AdBlue है DEF, और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ एग्जॉस्ट का सिस्टम, बाकी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको। और साथ में डिफरेंशियल आपको पीछे का नहीं दिखेगा इसमें, वो आपको 4x4 वाली वीडियो में दिखेगा, बाकी नीचे से गाड़ी काफ़ी क्लीन मिलेगी। अभी गाड़ी की खास बात ये है कि ये है मोनोकॉक चेसी, कोई भी लैडर ऑन फ्रेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं
स्कॉडा कोडिया की तरह ही ये गाड़ी चलती है, परफॉर्म करती है, और जो आप एक तरीके से फॉर्च्यूनर में थोड़ा बॉडी रोल से परेशान हैं वो दिक्कत आपको इस गाड़ी में नहीं आती है। काफ़ी स्टेबल राइड होती है, कॉर्नरिंग ईजिली हो जाती है, और उसका ध्यान स्पेशली जीप ने यहाँ रखा हुआ है। बाकी कुछ और प्रीमियम टच देखेंगे तो थोड़ा सा ये आप बम्पर देखेंगे, बम्पर की क्वालिटी और इसके पेंट में हल्का आपको टिंट का डिफरेंस आएगा। होने को मेटेलिक फिनिश है जो कि पर्ल वाइट है, और यहाँ पर भी वही है लेकिन थोड़ा सा प्लास्टिक और मेटल में डिफरेंस आता है। पार्किंग सेंसर आप नोटिस करेंगे, कुछ आप देखेंगे यहाँ पे क्रोम के एलिमेंट्स दिए गए। बाकी देखिए बूट को ओपन करना है बंद करना है तो एक तो ओपन करने के लिए बटन हो गया, लेकिन ऑफ करने के लिए कोई स्पेशल सा बटन नहीं है, सिर्फ यही बटन आप प्रेस करिए और ये क्लोज हो जाएगा। इंडिकेटर आपके लिए ब्लिंक होंगे और परफेक्टली क्लोज होता है, बढ़िया से काम करता है। अंदर चलता है, इसके 60 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर दिया गया है। आपको इंजन ऑफर किया गया है इसमें 2 लीटर का मल्टी जेट इंजन, जो कि आप एक तरीके से कंपास में भी देख चुके हैं, इवन अगर आप हैरियर सफारी हेक्टर इनमें देखें सिमिलर और वही पावर के साथ मिलता है। लेकिन बात यह है ना कि जीप ने थोड़ा ट्यूनिंग अपने अकॉर्डिंग करी है। 9 स्पीड का ZF आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। 60 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि विदाउट एनी कैप मिलता है, क्योंकि बहुत स्मार्ट डिज़ाइन है, और इसका कुछ यहाँ पर मार्किंग मिलेगी। DEF टैंक मैंने दिखाया था आपको नीचे, उसका एड ब्लू यहाँ पर फिल किया जाता है, क्योंकि गाड़ी BS6 फेज 2 नॉर्म के साथ आती है, जो कि पहले भी इसमें रहता था BS6 में, तो अब तो मेजरली क्रेटा में भी ये चीज़ आ चुकी है। बाकी इस बार यहाँ से सिंपली बंद करिए, जब भी सेंटर लॉकिंग आप लगाएंगे तो ये भी अपने साथ बंद हो जाएगा। आप देखिए ना, इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा मेन हाइलाइटिंग पॉइंट रहते हैं कि गाड़ी का एक देखिए सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्परिंग टेक्नोलॉजी मिलती है सस्पेंशन में, कहीं ना कहीं सिट्रॉन भी ये चीज़ यूज़ करती है। उससे होता यह है कि अगर हाई स्पीड में आप चल रहे हैं तो डैम्परिंग थोड़ी अलग काम करेगी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है जो सस्पेंशन के काम करने की, वो एक तरीके से वेरी की जा सकती है। इसके अंदर एक वेल्व होता है जिसके थ्रू जो ऑयल पास करेगा उसका डायमीटर कम या ज़्यादा रहेगा, जिससे जो एक डैम्परिंग है, जो एक रेजिस्टेंस है, वो कम ज़्यादा हो जाता है सस्पेंशन का, और इनकी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है ऑन द गो। ज़्यादा झमेला नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस में आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। साथ ही आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक डैम्परिंग सिस्टम मिलता है, जो कि नॉर्मली हर एक गाड़ी में रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट किया गया, लेकिन जो FSD है ये बहुत लिमिटेड गाड़ियों में रहेगा। साथ ही देखेंगे ये इसकी साइड की आप लाइनिंग देख रहे हैं, आपको फुट स्टेप देखने को मिलेगा और गाड़ी का इस प्रकार डिज़ाइन मिलेगा। और ये जो आप सारी साइड में क्लैडिंग देख रहे हैं जो ये एडिशनल, ये स्पेशली जो आपकी लिमिटेड प्लस वाला मॉडल है उसी के लिए रखा गया है। अच्छा, साथ ही जिनको लंबाई चौड़ाई और इन चीज़ों में एक शौक रहता है तो उनको समझा दूँ, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी ये रहने वाली है, पावर फिगर टॉर्क और ये चीज़ रहेगी। कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है, मैनुअल ऑटोमेटिक इस तरह आपको मिलेगा 4x4 में, और ये सब चीज़ें। साथ ही यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये सस्पेंशन आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्परिंग के साथ हाइड्रोलिक रिबाउंड सिस्टम रहने वाला है। एंटी रोल बार तो बेसिक सिस्टम है इस फंक्शन का, और साथ ही यहाँ पर आप सारे के सारे जो फंक्शन है, जो फीचर ये गाड़ी देती है अपने साथ, वो आप नोटिस कर सकते हैं। सेफ्टी में ध्यान दीजिएगा, सेफ्टी में सारी चीज़ ऑफर की गई है। 8 एडजस्टेबल आपको पावर सीटिंग मिलती है, आपको 50-50 का स्प्लिटिंग ऑप्शन मिलेगा थर्ड रो में, और साथ ही सेफ्टी में देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि ऑल स्पीड में काम करेगा, ESP का सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, साइड एयरबैग, साइड कर्टन एयरबैग, 360 कैमरा और TPMS का फंक्शन। और साथ ही आपका एक और डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जीप ने मेरिडियन में कोई नए एडिशन लॉन्च कर दिए, जैसे एक्स एडिशन, अपलैंड एडिशन, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये ना एक एक्सेसरी पैकेज ही है। अब ये एक्सेसरी पैकेज आप चाहे तो अलग से भी ले लेंगे, लेकिन आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। आप सोचिए, अगर आप यहां पर सीधे सीधे लग्जरी प्लस के साथ एक्स वाला स्पेशल एडिशन लेंगे तो आपको वही सेम एक्सेसरी मिल जाएगी, लेकिन वो 50% कम कॉस्ट में मिलेगी। तो एक तरीके से जीप इंडिया ने ये एक एक्सेसरी पैकेज उतारा है जो कि 50% डिस्काउंट में है, जो नॉर्मल कस्टमर खरीदेगा, और फिर वो आपके लिए फिजिबल नहीं है कि वो चीज़ आप लगाए। इससे बेटर आप लिमिटेड ऑप्शनल से सीधे लिमिटेड प्लस में जाइए और एक्स वाला जो आपका स्पेशल पैकेज है उसमें चले जाइए। कुछ नहीं है, थोड़े बहुत जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से थोड़ा मड फ्लैप है, थोड़ा सा अंदर कुछ चीज़ें हैं, थोड़े बहुत एसेंशियल है, ये चीज़ें एड ऑन हो रही है। लेकिन यहाँ पर मेरा काम है कि आपको समझाने की गाड़ी देती क्या है, फाइनली जब वो लग जाते हैं तो होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या कुछ है। ये चीज़ आप देख चुके हैं, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच, ये भी थोड़ा सा ना फाइबर का यूज़ किया गया है इस पैडिंग के अंदर, तो थोड़ा सा ये भी ड्यूरेबल रहता है। यहाँ पर आपको ऑटो फंक्शन है, अल्पाइन का साउंड सिस्टम दिखा दिया, AM लाइटिंग आप नोटिस करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर आपको 8 एडजस्टेबल सीटिंग मिलती है, ये मैंने आपको बताया है कि ये परफोरेटेड है, क्विंटेड लेदर है, उसके साथ ये मैकिनले यहाँ पर एक तरीके से लेदरेट का इस्तेमाल किया जाता है, USA से इम्पोर्ट किया गया है इसको। थोड़ा सा ड्यूरेबल रहेगा, हल्का सा लॉन्ग लाइफ रहेगा और थोड़ा सा यूनिक भी हो जाएगा। खास बात यह है कि ये ड्यूरेबल तो है, थोड़ा सा ना आपको हार्ड भी फिनिश होगा, लेकिन जिन लोगों को ना थोड़ा सा सॉफ्ट लेदरेट पसंद है वो लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। यहाँ पर भी देखेंगे वही चीज़ लेदरेट का यूज़ करके, लेकिन इसकी और इसकी फिनिश अलग है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ आपको मिलेगी। कुछ ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, मुझे बाकी है अंदर आपको दिखाने की देरी, और अंदर यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए कोई भी ग्रैब हैंडल और ऐसी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन गाड़ी में बैठने का थोड़ा सा फील तो है। अगर बात की जाएगी गाड़ी में बैठने की, चढ़ने उतरने की, तो ऐसी कुछ फील आ जाती है। मेरी हाइट जिस प्रकार यहाँ पर 5 फीट 11 इंच की है, तो हेडरूम शोल्डरूम में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भैया
यहाँ पर आप इंजन स्टार्ट स्टॉप को एक बार ऑन करिए तो इग्निशन ऐसे कुछ आपके सामने दर्शन देता है। और जीप की यहाँ पर ब्रांडिंग, थोड़ा सा 10 इंचेस की स्क्रीन है जो कि कंपास के साथ आई थी, लेकिन साइज़ बहुत सही है इसका, आपके विज़न में नहीं आती। आपका जो पूरा डैशबोर्ड है वो ओपन नहीं, आपको आगे भी दिख रहा है, हल्का सा आपको वो जो वाइपर है वो देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से देख रहे हैं, स्टार एग देखने को मिलेंगे, जो बॉनेट है वो बढ़िया तरीके से दिखे। अब देखिए यहाँ पर आपके 10.25 इंचेस की स्क्रीन आ जाती है जो कि इस तरीके के सारे फंक्शन और लेआउट आपके सामने पेश करती है। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि इसके आ जाने से ये गाड़ी का कोई करेक्टर चेंज है, लेकिन थोड़ी प्रीमियम फील जो हम चाहते हैं ना वो चीज़ इसमें रखी गई है। और कहीं ना कहीं TPMS फंक्शंस, और देखते हैं, चलिए हम चलते हैं फ्यूल इकोनॉमी की ओर। तो ये ऐसे अलग अलग से मतलब जो फील गुड फैक्टर है वो है इसके साथ। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल है, यहाँ पर आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ हाई बीम लो बीम मिलेगा, यहाँ पर मेन जो सारा हेडलैम्प का स्विच है ना वो मिल जाते हैं, लाइट्स इस प्रकार आपको दिखेगी क्योंकि ये है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर जीप की ब्रांडिंग और ये आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दे रहा है। आप देखिए मेरिडियन में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ आपको हर कोई बताएगा कि एक अच्छी सी स्क्रीन आती है, कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज़्यादा आप मार्केट ये गाड़ी लगती है। इंटीरियर में तो नो डाउट उससे ज़्यादा आप मार्केट है। फॉर्च्यूनर में ना आपको सनरूफ मिलेगी, ना कोई ऐसा गेमी की फीचर या फिर फैंसी फीचर कहेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर जीप इंडिया ने पहले एक तरीके से आप तक पहुँचाई। और यहाँ पर देखें तो क्या ऑफर किया गया है, ये आप सारा इसका एंड्रॉयड ऑटो देखेंगे, कुछ आपको यहाँ पर शॉर्टकट भी दिए गए, होम में आप चले जाएंगे तो अच्छे तरीके से कर ले रही है, मल्टी विंडो भी यहाँ पर ये सपोर्ट कर ले रही है। और कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी अच्छा फॉन्ट भी है इसका, वो आप पीछे का कैमरा देखना चाहे तो इस प्रकार आपको दिखेगा। जो आपको गाइडलाइंस है वो इसके साथ मिली जाती है, साथ में जो 360 कैमरा जो आप देखे फिर रहे थे वो आप चीज़ यहाँ देखेंगे। डोर ओपन है तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक में दिखेगा, जैसे ही आप इसको यहाँ पर बंद कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर डोर बंद करा तो ये जो ब्लैक एरिया है वो हट के आपके सामने विज़न क्लियर कर दिया, आगे का व्यू और ये चीज़ आपके सामने आ रही है। इस बार भी आपको गाइडलाइंस ये दिखाने वाला है। क्वालिटी और ये चीज़ें ठीक है, मतलब ये चीज़ें ना जो ग्लॉस्टर है वो भी देते हुए रहती है, लेकिन वही है कि जिसको थोड़ा सा बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियाँ पसंद नहीं है उनके पास यही ऑप्शन है। साथ ही ये इसका कुछ AMOLED लाइटिंग आप देखेंगे जिसमें थोड़ा सा फिट ऑन फिनिश में हल्का और बढ़िया काम हो सकता था, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग और ये चीज़ें, और साथ ही ये कुछ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल। मैं बता चुका हूँ जो फोम आप देख रहे हैं मामूली फोम नहीं है, अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। बड़े बड़े आपको यहाँ पर ए पिलर देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी भारी भरकम साइज़ है, लेकिन कोई ना ज़्यादा विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है जो सेगमेंट की गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों को ज़्यादा कोई मैटर भी नहीं करेंगे। बाकी मेरे हेडरूम शोल्डर हम देख चुके हैं, प्राइसिंग आपको समझाता हूँ और ऑन रोड प्राइस आने के बाद आपको एक वर्डिक्ट भी देता हूँ कि क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा ग्लोव बॉक्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसी के अलावा और यहाँ पर देखेंगे ये सनशेड्स है, स्पेस के मामले में गाड़ी सही सही है, और जीप ने जो काम करा है कम्फर्ट में ठीक है। थोड़ी इनकी सीट्स की चौड़ाई और ज़्यादा होती क्योंकि जिस हिसाब से जीप के जो कस्टमर है हल्के से मस्कुलर रहते हैं, हल्के से वेल बिल्ट रहते हैं, थोड़े से अच्छे खासे प्रोफाइल के साथ होते हैं, तो खुली खुली स्पेस रहे तो और खुश होकर बैठेगा आदमी। यहाँ पर आपको एडलेस स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रस्ट कंट्रोल का ऑफ करने का ऑप्शन, नॉर्मल से यहाँ पर आपको डमी बटन, कोई पार्किंग हजार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलता है, ये एक्टिवेट यहाँ से हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको एयरबैग की कंडीशन बताएगा, पैसेंजर साइड ऑन है ऑफ है, कुछ आपको यहाँ पर AC के वेंट का सिस्टम दिया गया, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम के लिए बड़े ऐसा डायल दिया गया, ये आप सारा AC का सिस्टम देखेंगे। कुछ यहाँ पर आपको 9 स्पीड का ZF सोर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि जीप ने स्पेशली इस इंजन के लिए यहाँ पर ऑफर करना शुरू करा है। पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड और मैनुअल का भी ऑप्शन इसमें रहता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। बाकी जिसको 4x4 के साथ जाना है उसके पास सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलने लग जाएंगे, ऑटो होल्ड का भी ऑप्शन आएगा, 4x4 में आपको लो का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको डाउन हिल असिस्ट का ऑप्शन मिलने लग जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको 4x4 हाई का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि 4-wheel drive रहने वाला है, आर्मरेस्ट रहेगा उसके साथ, ये कुछ आपको यहाँ पर कप होल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट स्लाइडेबल रहने वाला है। मेरे हेडरूम शोल्डर रूम के साथ आपको दिखा के चलता हूँ ये गाड़ी स्पेशल क्या दे रही है। तो एक आपको सनरूफ दे देगी भैया जो आपको फॉर्च्यूनर में अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ज़्यादा देरी नहीं है फॉर्च्यूनर के आने की, उसकी वीडियो भी आ रही है आपके लिए। यहाँ पर आपको IRVM दिखा चुका हूँ, ये थोड़ा सा मिस आउट मुझे भी लगा कि हैलोजन दे दिया है और LED आ सकती थी, मतलब ना जीप जैसी ब्रांड फीचर के पीछे वैसे ही नहीं भागती है, लेकिन फिर भी दे दे तो और क्या कमी है। और अगर आपको इसका इंजन बे दिखाने चलूँ तो इंजन बे भी आपको शो करूँगा, कुछ मेमोरी फंक्शन इसकी सीट्स में मिल जाती है क्योंकि 8 एडजस्टेबल सीट्स है। अब यहाँ पे ना जीप ने इसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग प्रोफाइल के साथ पेश करा है तो वो दिखाऊँ तो इस प्रकार आपको पूरी की पूरी गाड़ी नीचे से पेश की गई है। मुझे दिखाना है इसका इंजन बे, जो कि सेम इंजन आपको मिलने वाला है जो हैरियर, सफारी, हेक्टर, इवन जो कंपास है उसमें भी 170 हॉर्स पावर मिलेगी, 350 NM का टॉर्क। ये 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है जो कि फीएट का ही अपना इंजन है भाई, अपनी ट्यूनिंग के साथ आता है। ये दिखाता हूँ आपको जीप का टर्बो डीजल इंजन, 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है, 170 हॉर्स पावर, 350 NM का टॉर्क,
पावर परफॉर्मेंस साइज के हिसाब से जीप क्लेम करती है कि काफ़ी अच्छा पावर टू वेट रेशियो है, लेकिन 170 हॉर्स पावर से थोड़ा ज़्यादा रहती है, 190 तो और बढ़िया हो सकता था। वैसे ये इंजन अपनी मैक्सिमम ट्यून के आसपास पहुंच चुका है, पहले टाटा ने शुरुआत करी थी 140 से, आगे 170 में फिर सीधे ही कंपास आ गई, तो उसके अलावा ना ठीक ठाक है, मतलब थोड़ी और पावर मिले तो क्या ही कमी है। डीजल का आपको यहाँ पर फिल्टर मिलेगा, एयर फिल्टर यहाँ देखने को मिलेगा, इसी तरीके से यहाँ पर बैटरी है, फ्यूज़ बॉक्स है, साथ ही यहाँ पर कुछ कूलेंट का सिस्टम है, टर्बो का ऑप्शन यहाँ पर फ्रंट में ही रखा गया है, पीछे की ओर इनटेक का सिस्टम रखा गया है, और साथ में ही यहाँ पर आपको हुड इंसुलेटर, बढ़िया सी क्लैडिंग देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए बॉनेट का वेट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, जीप ने जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई है वो बिल्कुल आपको पता चलेगी। हाइड्रोलिक स्टड दे देते और सही था, थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन वो इसलिए नहीं दिए गए कि थोड़ा सा कॉस्ट भी कम रहे, बाकी अगर इनकेस अगर वो फेल हो जाए तो वो आपके ऊपर न गिर जाए, इसीलिए एक मैकेनिकल रॉड आपको दी गई है। वो बहाना कहेंगे, कुछ भी कह सकते, लेकिन थोड़ा सा जीप को सोचना चाहिए था कि और बढ़िया एक प्रीमियम टच आएगा। बाकी बॉनेट में बहुत अच्छा अच्छा सा कट और क्रीजेस से भरा गया है बॉनेट को। साथ ही में ये हमने इसके फ्रंट को देखा, इंटीरियर को देख लिया, डिज़ाइन को देख लिया, एक बार इसके सेकंड रो सीट्स और थर्ड रो सीट्स को देख लेते हैं, क्योंकि वहीं सारी कहानी आपके सामने पेश भी होती है। ये आप देख रहे थे सेकंड रो सीट्स को, 80 डिग्री तक इसके डोर पूरे पूरे ओपन हो जाते हैं, इस प्रकार दिखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड टच दिखेगा, ये इसका सॉफ्ट टच है, ये चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, या आप इसमें चढ़ने उतरने के लिए स्पेस देखेंगे, पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए स्पेस होती है इस गाड़ी में, एक आपको यहाँ पर एसी वेंट, ऊपर आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो कि इस प्रकार दिख जाती है, जो कि एसी मिलेगी रूफ रेल्स के साथ, और थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एसी वेंट मिलेगा जो कि आपको यूएसबी का ऑप्शन भी दिखा रहा है। और ये आप देखेंगे इसके फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड किस प्रकार मिलता है, क्या कुछ है, ये चीज़ तो ना एक्सेसरी का पार्ट है, आप अलग से भी लगवा सकते हैं। मतलब आज की जो वीडियो की मेन हाईलाइट थी वो ये थी कि जीप इंडिया ने एक नया मेरिडियन का स्पेशल एडिशन उतारा है, एक नहीं दो उतारे, एक है एक्स और थोड़ा नीचे वाला है अपलैंड। कहानी ये हो गई थी कि प्राइसिंग में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था, अगर आप लिमिटेड ऑप्शनल के ऊपर उसको उठा लेते हैं अपलैंड वाले को, या फिर लिमिटेड प्लस के ऊपर एक्स को उठाते हैं, 30 से लेकर 50,000 का ही डिफरेंस था, तो वो चीज़ आपके सामने है, एक्सेसरी है, पता भी नहीं चलता इतनी सारी फीचर के साथ ऑलरेडी गाड़ी आती थी, तो ये कुछ है। बाकी बीच में हेडरेस्ट नहीं आता है, और यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सी लैप टाइप सीट बेल्ट मिलती है, तो यहाँ पर जीप इंडिया को सच में एक बढ़िया सा काम करना चाहिए कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दो। यहाँ पर आप फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड देखेंगे, इस तरीके का सेंटर टनल, और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार आपको एसी वेंट, मेरा हेडरूम शोल्डरूम देखेंगे तो इस प्रकार दिख जाता है, और यहाँ पर सही सा है, मतलब स्पेस की कमी नहीं है इसमें। मैं दिखाऊँ आपको इस प्रकार, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ऊपर सनरूफ, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा 8 से लेकर 10 लाख रुपए खर्च करे वो थर्ड रो के लिए ही करे हुए हैं, जिसमें आपको पीछे जाने के लिए दो ऑप्शन दिए गए, एक तो इसको आप टिल्ट कर लीजिए क्योंकि 40-60 का ऑप्शन मिलता है, बढ़िया तरीके से टंबल हो जाती है, इन सीट्स को भी आप ऊपर की ओर कर दीजिए, अब उन्हें को रिक्लाइन आती है वहाँ से जाके करना होगा आपको, एक ही ऑप्शन दिया गया है और एक ये वाला ऑप्शन भी है। यहाँ पर चलना है तो आपके पास ये सीटें हैं, आप मेरिडियन के किसी भी कस्टमर के पास जाएंगे तो वो हर बार कहेंगे कि अगर जीप इसकी हाइट को ना थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकता, मैं इसके अगर हेडरेस्ट को सेट करूं और अगर अपने ये वाली चीज़ को भी पीछे तक रिक्लाइन करूं तो ये मेरे पास स्पेस है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये हो गई कि पीछे जो अपना बूट स्पेस है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसी के अलावा अभी तक तो ये सीटें टंबल हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे इन सीट्स को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको पीछे करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेट टू सेट यहाँ पर स्पेस रहता है, कोई भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, होने को पीछे की सीट अगर आपकी हाइट 5.5 से लेके 5.8 फीट है आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन एक ऐसा है ना कि यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट है, एक तरीके से जो अर्थात सपोर्ट है उसको ग्राउंड से या फिर जो नीचे फ्लोर है उससे काफ़ी कम हाइट में ऊपर की ओर रखा गया है, अगर इसकी थोड़ी और ऊंचाई रखी जाती तो प्रॉपरली यहाँ पर अंडर सपोर्ट मिल पाता, जिससे क्या बढ़िया होता, आप आराम से लंबा ट्रैवल भी कर पाते, अब उसके लिए क्या रहता फिर हेडरूम कम हो जाता है, और फिर जिसको सॉल्व करने के लिए इसके रूफ को थोड़ा सा ऊपर से ना एक सफारी वाला एक थोड़ा सा स्टेप अप देना पड़ता है, जिससे गाड़ी का करेक्टर कहीं ना कहीं एमपीवी वाला हो जाता है, तो जो जीप नहीं बनाना चाहती थी एक इनोवा एक एमपीवी, वहाँ पर वो एसी डिज़ाइन फ्रंट के साथ होने को कोई प्रैक्टिकलिटी में इशू नहीं है, मैं इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा सा नुक्स निकालने वाले, उनके लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर क्या रहता है कि क्रेडिबिलिटी में डाउट आ जाता है, तो वो चीज़ भैया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टर पैनल ग्लास, यहाँ पर सच में जीप ने अच्छा काम करा है और थोड़ा सा बड़ा साइज़ का इस्तेमाल करा जिससे पीछे रूमी फील होगा अगर आप दिन में ज़्यादा सफ़र करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे इतना आपको स्पेसिंग, थोड़ा सा कप और ये सारी मक्स को यूज़ करने के लिए रखने के लिए दिया गया है। बाकी ऑल एंड ऑल देखा जाए तो जीप मेरिडियन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए दिया गया है, प्रैक्टिकल बायर जिनको थोड़ा सा ना ऐसा चाहिए कि भाई वन एंड ऑल कार हो, मतलब एक ही कार हर काम करे, तो जीप मेरिडियन वहाँ नहीं सूट करेगी, वहाँ पर कंपास जैसी गाड़ी सही सही सेट रहेगी, उनको एक गाड़ी जो एक्स्ट्रा 2 लोगों के लिए
चार्ज आपको करती है, वहाँ पर थोड़ा सा लोग कतराते हैं इसको लेने में, लेकिन फिर भी जो ये पैकेज आपको देती है ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग रन पे आपको समझ आएगा, परफॉर्मेंस वाइज उतना पंची तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो ट्यूनिंग है इंजन की सही है, क्योंकि इस गाड़ी का वजन उतना ज़्यादा हैवी नहीं है। मोनोकॉक चैसी है, कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर में जो आपको लैडर ऑन फ्रेम चैसी आती है जो झूलने लग जाती है ना हाई स्पीड में, वो दिक्कत इसमें नहीं है। वो 200 हॉर्स पावर देती है, ये 170 देती है, वो 500 एनएम देती है, ये 350 एनएम ही देती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हल्का सा कंपैरिजन बनता है। अब उम्मीद है कि जीप कुछ बड़ा इंजन भी इसमें दे दे, कोई कमी नहीं है। अब होने को ऐसा ना, जीप के पास ज़्यादा पेट्रोल टर्बो में इंजन है बड़े बड़े, वो अगर इसमें दे तो फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से लोग ना ले, इसीलिए टोयोटा के पास और एमजी के पास भी थोड़ी सी यूएसपी है। होने को ग्लॉस्टर में भी उतनी ज़्यादा मार्केट नहीं है अभी, अब फॉर्च्यूनर को ही हर कोई पसंद कर रहा है, तो क्या ही किया जाए। बाकी ये गाड़ी अपने में एक स्मार्ट बाई हो सकती है, जो लोग थोड़ा सा सेंसिबली गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। आप मुझे बताइए गाड़ी कैसी लगी, मैं आपको प्राइसिंग समझाता हूँ और देखते हैं क्या आपका वर्डिक्ट आता है। और प्राइसिंग समझने के लिए हमें बाहर निकलना होगा, इसको आप चलिए यहाँ से करिए फोल्ड और ये टंबल होकर बड़े आसानी से आगे चली जाती है। यहाँ पर आपको दो लोगों के बैठने की स्पेस मिलती है, आपको याद दिलाऊं यहाँ पर तीन लोग बैठते हैं, तो प्रॉपर एक सेवन सीटर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप दिक्कत इसमें फील नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आपकी हाइट मेरी तरह है तो लंबे सफ़र में आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं मिडिल रो में बैठ जाऊं या फिर ड्राइवर के साथ ही अपनी सीटिंग सेट कर लूं। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो जीप इंडिया की अच्छी कोशिश है कि एक ऐसे सेवन सीटर उतारी गई है जो थोड़ा सा प्रीमियम एक तरीके से आपको फील करवा सकती है, लेकिन वही है कि अगर बजट में भी चीज़ें मिलने लग जाए तो क्या ही कमी है। प्राइसिंग देख लीजिए एक बार, तो प्राइसिंग का यहाँ से आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा टोटल इसमें आपको कितने वेरिएंट मिलते हैं। एक जीप मेरिडियन में बेस वेरिएंट है, लिमिटेड ऑप्शनल, टॉप मॉडल है इसका लिमिटेड प्लस, 4x2 का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट्स में दिख रहा है और 4x4 के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा। प्राइसिंग बेस मॉडल की है 32.95 लाख रुपीज़ एक शोरूम, करीब 33 लाख रुपये, और ऑन रोड गाड़ी 40 लाख रुपीज़ में जाती है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ये लिमिटेड प्लस में 4x2 है, एक शोरूम है 35.45 लाख रुपीज़, और ऑन रोड ये गाड़ी आपको 43.14 लाख रुपीज़ में कॉस्ट कर रही है, यानी कि कॉस्टिंग इसकी 45 लाख की रेंज में है गाड़ियाँ जो आपके सामने हैं। और डिस्काउंट्स की बात की जाए तो आज अगर आप बात करेंगे, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगर आप एक शोरूम में देखें तो 50,000 रुपीज़ का आपको इसमें कैश में डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि एक शोरूम में रहने वाला है। वहीं अगर आप एक्सचेंज करवाते हैं गाड़ी, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, और फिर आपको 50,000 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल 1 लाख रुपये का डिस्काउंट आप इसमें अवेल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप कब तक इस गाड़ी को लेंगे और डिस्काउंट कब तक आपके सामने मिलते रहेंगे। बाकी गाड़ी कैसी लगी आपको और जीप की ये मुहिम की ऐसी ऐसी एक नई नई गाड़ी आपके सामने पेश करना, और कैसा एक पैकेज के तौर पे आप देखते हैं, और होने को कंपटीशन हर गाड़ी का रहता है, 10 लाख की देखिए, 50 लाख की देखिए, लेकिन फिर भी जीप ने सही सा काम करा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस गाड़ी को रैंक करके जाइएगा, और कैसी लगी गाड़ी ज़रूर बताना मुझे। और जाते जाते आपको बता दूं कि मैंने जीप की पूरी लाइनअप बनाई हुई है, बात करेंगे रैंगलर 2 डोर की, 3 डोर की, रैंगलर 5 डोर की, साथ में ही कंपास की। अब ये जो कंपास और जो मेरिडियन है तो इंडिया में बन रही है, और मेरिडियन ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में बन के एक्सपोर्ट की जाती है। इस गाड़ी का नाम कमांडर हो सकता था, लेकिन कमांडर महिंद्रा के पास है ट्रेडमार्क, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी गाड़ी अच्छी है, लेज़र वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है हर जगह, आपको प्लाज्मा कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है पैनल्स को कट करने के लिए, उसके अलावा मटेरियल सिलेक्शन भी जीप का नंबर वन मुझे लग रहा है। बाकी अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि कस्टमर्स का क्या ओनरशिप रिव्यू है, और जीप इंडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें भी एक्सपीरियंस कराइए अपनी मेरिडियन अपने रॉ नेचर के साथ, जो ऑफ रोडिंग वो करवाते हैं ना, वो भी बहुत जल्द आने वाली है आपके साथ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।